सो देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सरला पर हमरो गोटे नॉट दिया हिची कौन ना जदि हमरो सी वन इक्वल्स टू सी टू इक्वल्स टू जीरो हो जाए आउ ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जीरो न हुए ताहले हमें एठी कौन लिख पारा ना आम इक्वेशन कौन हो कहीं सी वन सी टू वैल्यू जीरो तो आम इक्वेशन हम ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल्स टू जीरो कहीं सी वन वैल्यू तो जीरो हो जाए से भाई इक्वेशन टू हम कौन ना ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू जीरो तो ये जो समीकरण दुटा मिले ये दुटार समाधान जदि जीरो कमा जीरो हुए ताहले आम समीकरण द्वय को आम कौन कहीपर ना होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस माने आम कहीपर कि होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस ओके सम सह सह समीकरण ओके सम सह समीकरण माने आमर दुटा इक्वेशंस कौन हो ना होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस केतेबेले जेतेबेले सी वन सी टू वैल्यू जीरो हम ता सहित आम ये कंडीशन टा सैटिस्फाई कर सहित आम समाधान दुटा आस ना जीरो कमा जीरो तमें एक्स रैल्यू भी जीरो हम आउ वाई रैल्यू भी जीरो होता दरकार ताल जाकि आम यहाँ होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहवा किंतु तापर देखो नेक्स्ट आउ गोटे दिखाई नॉट कौन ना ए टू माइनस सॉरी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन माने जो कंडीशंस अच्छी ये कंडीशन वैल्यू जदि जीरो होती जो दुटा इक्वेशंस दिखाई थोड़ा से दुटा आम एक भिन्न हम माने से केस कौन हम ना असंख्य समाधान मिले इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले तो से वज्रगुण में कंडीशन कौन रही ना ए वन बी टू ए टू बी वन जो रही वैल्यू आमर जीरो न होगा दरकार जीरो आमर असंख्य समाधान बाहर जीवो ओके तापर देखिबा नेक्स्ट आमर कौन रही अण सरल रेखीय सह समीकरण जदि आमको अण सरल सरल रेखीय सह समीकरण दि जाए अण सरल रेखीय सह समीकरण माने नॉन लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया जाए ताले सही केस रे आमे केमती सेठी सॉल्यूशंस काढ़ा कहीं सेटा सरल सरल समीकरण तो नुहे सेठी आमे ए तीनोटे मेथड यूज करें मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस किंबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस तीनोटी जाक आम यूज करें कहीं से तीनोटी आमर सरल समीकरण ही केवल एप्लीकेबल हम ओके सो देखो आम एपाई कौन करवा ना एमें कौन करवा प्रथम आम एकघाती रूप को आनवा ओके एकघाती मानने सरल समीकरण को कन्वर्ट करवा सारापर आम से कौन करना से तीनोटी मेथड को यूज करवापे सल्व करवा ठीक अच्छे सो देखो गोटे एग्जांपल्स दिया से एग्जांपल्स को हमें बुझा आ से एग्जांपल्स रो हमें बुझा कि केमती आम सरल समीकरण रे चेंज करवा जमीक देखो दिखाई कि समाधान कर इक्वेशंस देखो सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सेवेन एक्स वाई दिखाई तापर दिखाई कि थ्री एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू इलेवेन एक्स वाई जो थी कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो कंडीशन दिखाई ओके सो देखो ये दुटा जो इक्वेशन दिखाई केवे भी आम लिनियर इक्वेशंस हम ना कहीं दुटार घात वन नुहे कहीं देखो एक्स रात वन आउ वाई रात वन दुटा जाक मल्टीप्लाई होती अच्छी तो यहाँ आम दिघाती समीकरण होगा ओके दुटा जाक मल्टीप्लाई होती अच्छी मानने यार घात टोटाल के टू होगा ओके ये केस्रे तो आम यहाँ गोटे दिघाती समीकरण है तो या आम कौन करवा ना एकघाती समीकरण को आनिबा केमती आनिबा तो देखंतु यही जो दुटा इक्वेशंस दिखाई दुटा इक्वेशंस रो उभय पार्श्व एक्स वाई द्वारा आम डिवाइड करवा जदि आम एक्स वाई द्वारा डिवाइड करवा आमको कौन मिले देखंतु सिक्स एक्स बाय एक्स वाई करवा प्लस थ्री वाई बाय एक्स वाई करवा से भाला सेवेन एक्स वाई बाय एक्स वाई करवा मानने उभय पार्श्व बोथ साइड्रे आम एक्स वाई द्वारा डिवाइड करवा डिवाइड कले कौन हम देखो आमर एटी प्रथम एक्स एक्स कैनसल हे ओके ये जो एक्स रही एक्स एक्स सहित कैनसल हे तो मैंने आमको मिले सिक्स बाय वाई से भाला देखो वाई वाई सहित कैनसल हे तो आमको मिले थ्री बाय एक्स एक्स वाई कैनसल हे आमको मिले सेवेन सो ये देखो आमर कौन मिलला ना सिक्स बाय वाई y प्लस थ्री बाय एक्स इक्वल टू सेवेन तापर से भाई इक्वेशंस टू रे जदि आम एक्स वाई द्वारा डिवाइड करवा कौन हम ना थ्री एक्स बाय एक्स वाई तापर प्लस नाइन वाई बाय एक्स वाई तापर इलेवेन एक्स वाई बाय एक्स वाई तो ये देखो एक्स एक्स कैनसल है तो आमको मिलला थ्री बाय वाई तापर एटी वाई वाई कैनसल है तो आमको मिलला नाइन बाय एक्स इक्वल्स टू इलेवेन एक्स वाई कैनसल है तो आमको मिलला इलेवेन ओके सो थ्री बाय वाई प्लस नाइन बाय एक्स इक्वल्स टू आमको इलेवेन मिलला मानने आमको दुटा इक्वेशंस मिलगला ओके बर्तमान कौन करना ये देखो गोटे रही वन बै वाई आउ गोटे रही वन बै एक्स सो वन बै एक्स को मुझ कौन करी ना वन बै एक्स को मुझे यू नहीं गली वन बै वाई को मुझे जदि भि नहींजी ताल देखो ये जो इक्वेशनसटा मत मिली ये इक्वेशनसटा कौ फर्माट्रे आसो
कहीं ना ये देखो सिक्स बै वाई, सिक्स बै वाई मान आम कौन लिखिपर, सिक्स बै वाई मान आम लिखिपर या कौन ना सिक्स इंटु वन बै वाई लिखिपर। तो सिक्स इंटु वन बै वाई अर्थ कौन, सिक्स इंटु वन बै वाई अर्थ हूँ सिक्स इंटु वन बै वाई मान भी, तो सिक्स भी हे यार वैल्यू। ओके से भाया देखो थ्री बै एक्स, थ्री बै एक्स रैल्यू कौन हाँ ना थ्री बै एक्स रैल्यू हम थ्री इंटु वन बै एक्स। ओके सो थ्री इंटु वन बै एक्स मैंने थ्री यू। ओके तो से वैल्यू को आम ये पुट करवा, तो देखो आमर ये जो इक्वेशनसटा दिखाई से कौन हो सिक्स बै वाई प्लस थ्री बै एक्स इक्वल्स टू सेवेन आमर हो सिक्स भी प्लस थ्री यू प्लस इक्वल्स टू सेवेन, यहाँ हो गला आमर इक्वेशन वन। ओके ये देखो ए लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट्रे अच्छी। ओके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो फॉर्मेट्रे अच्छी। ओके से भाया देखो आम इक्वेशन्स जो यो इक्वेशन्सटा अच्छी या चेज करवा, या चेज करवा कौन हम ना देखो थ्री भी प्लस नाइन यू इक्वल्स टू इलेवेन। ओके देखो ये गला इक्वेशन्स वन, यहाँ होगा इक्वेशन्स टू। बर्तमान ये दुटा इक्वेशन्स को आम कौन करवा ना सल्व करवा कौ मेथड्रे, जो भी तीनो मेथड्रु जो भी मेथड आपको इजी लगुच से मेथड्रु से मेथड को यूज करूँ आ सॉल्व करूँ। तो ये देखो मु प्रतिकल्पन प्रणाली सॉरी अपसारण पद्धति माने मेथड ऑफ एलिमिनेशन को मुझे यूज करी। ओके सो देखो इक्वेशन्स वन आमर कौन रही ना वी रो कोफिशिएंट हूँ सिक्स, इक्वेशन्स टू रे वी रो कोफिशिएंट हूँ थ्री, ताने मुझ सिक्स को इक्वेशन्स टू रे मल्टीप्लाई करी से कौन करी ना इक्वेशन वन रे इक्वेशन्स टू रो जो वी रो कोफिशिएंट रही मल्टीप्लाई करी। जदि मुझ मल्टीप्लाई करुच्ची इक्वेशन्स वन रे थ्री को तेल कौन हम ना एटीन वी प्लस नाइन यू इक्वल्स टू ट्वेंटी वन होगा। से भाई इक्वेशन्स टू रे जो मुझे सिक्स मल्टीप्लाई करी कौन हम ना एटीन वी प्लस फिफ्टी फोर यू इक्वल्स टू सिक्सटीन, तापर दुटा को आम माइनस करवा, माइनस कले कौन हम ना एटीन वी कैनसल होपर आमर आसा नाइन यू माइनस फिफ्टी फोर यू कौन हम ना माइनस फोर्टी फाइव यू इक्वल्स टू ट्वेंटी वन माइनस सिक्सटी फाइव सरी सिक्सटी सिक्स कौन हम ना माइनस फोर्टी फाइव, ताने माइनस फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फोर्टी फाइव आमर कौन हम ना वन हम, यू रो वैल्यू आसीगला वन। बर्तमान यू रो वैल्यू को आम इक्वेशन वन कि इक्वेशन्स टू जो थे भी पुट करवा आमर वी रो वैल्यू बाहर। ओके सो मुझे इक्वेशन वन पुट करुच्ची, इक्वेशन वन पुट कले कौन हम ना सिक्स भी प्लस थ्री इंटु वन इक्वल्स टू सेवेन होते सिक्स भी रैल्यू कौन हम ना सेवेन माइनस थ्री हो फोर, तो भी रैल्यू आसो फोर बै सिक्स मान टू बै थ्री। सो भी आमको मिलला कौन ना टू बै थ्री, किंतु आमको काढ़ कौन ना एक्स आउ वाई रैल्यू काढ़ कितु ये आमको मिलला यू आउ भी रैल्यू। बर्तमान देखो आम यू क्या लिखते यू लिखी थे आम वन बै एक्स को, सो एठी जदि आम एक्स को ऊपर को नहीं जावा यू को तल को नहीं आसा तो एक्स रैल्यू के वन बै यू हम आउ यू रैल्यू देखो आमको मिलेगा कौन ना वन, तो एक्स इक्वल्स टू कौन हो वन बै वन मैंने वन हो तो एक्स रैल्यू आमको वन मिलला। से भाया जदि आम भी रैल्यू देखा तो देखो वन बै वाई इक्वल्स टू भी थी सो भी को मुझ तल को नहीं आसबि वाई को मुझर को नहीं जी, तो कौन हम ना वाई इक्वल्स टू हो वन बै भी आ भी रैल्यू देखो दिखाई है आमको टू बै थ्री, तो वाई इक्वल्स टू हो वन बै टू बै थ्री। ओके देखो यहाँ आमर कौन हो वन बै टू बै थ्री, एटी आमर टू बै थ्री आमर उल्टी जीव, तो आमको मिले कौन ना टू सॉरी थ्री बै टू। ओके सो आमर वाई रैल्यू आसीगला कौन ना थ्री बै टू, सो एक्स रैल्यू मिलला वन आउ वाई रैल्यू मिलला थ्री बै टू, सो ये दुटा होमर सल्यूशन मानने निर्णय समाधान आम कहींपर वन कमा थ्री बै टू। ओके तापर देखु अण सरल रेखीय समाधान रो आमर आउ गोटे फॉर्मेट दिखाई जो थे कि एग्जांपल्स देखो समाधान कर दिखाई कि वन बै टू इंटु टू एक्स प्लस थ्री वाई तापर प्लस ट्वेल्व बै सेवेन इंटु थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू हाफ दिखाई से भाया दिखाई सेवेन बै टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर बै थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू टू। सो एठी देखो आमर दुईटा जिनस कमन अच्छी, गोटे हूँ कि वन बै टू एक्स प्लस थ्री वाई। ओके एठी मध्य अच्छी से भाया आउ गोटे अच्छे कौन ना वन बै थ्री एक्स माइनस टू वाई से भी अच्छी एटी भी अच्छी, तो दुईटा जाक आम कमन अच्छी, तो या यू नहीं जाऊ या भी नहीं जामको कौन हम ना आमको पुणी थे गोटे
लिनियर इक्वेशंस मिल जाव तो आम ये मन कर लिखा कि 1/2x प्लस 3y इक्वल्स टू यू तापर लिखा 1/3x माइनस 2y इक्वल्स टू वी ओके तो जो जिनसा कमन अच्छे से प्रथम तो ऑब्जर्व करनेबार अच्छी देखो ये जो आम आसा 1/2x प्लस 3y तो या कौन लिखिपर यू लिखिपर ओके तो ये इक्वेशन यू बै टू प्लस तापर एठी देखंतु 1/3x माइनस 2y कोन हिजबो वी हिजबो सो 12v डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 12 सॉरी 1/2 आसीबो ओके 1/2 तो एटा हिजबो हमर इक्वेशन्स 1 ओके सो ए इक्वेशन्स 1 को जतबेले आमे पूणी थरे सॉल्व करिबा तो कोन हबो देखंतु एठी हमर एलसीएम आसीबो कोन ना 14 तो 14 आसीले 780 मल्टीप्लाई हबो 280 मल्टीप्लाई हबो तो 7 इनटू यू कोन हिजबो 7u प्लस 2 into 12V is about 24V. So 7U plus 24V equal, divided by 14 equals to half. Okay. बर्तमान देखो तो half रे हमें कौन करेगा ना ये जो 14 रही ची 14 हमें इतने multiply कर दो तो 7U plus 24V कौन है जो 14 divided by 2 माने 7 अब तो ये जो equations टा मिला ए इक्वेशन टा हो गला इक्वेशन 1 ओके तापर से भले हमें इक्वेशन 2 जो दिया है या चेंज करबा तो कौन बना 7u प्लस 4v इक्वल्स टू 2 ओके तो एटा तो हमको डायरेक्टली फॉर्मेट रे मिल गला ओके तो देखो तो एटा हो गला इक्वेशन 2 वर्तमान देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रे 7u एठी मध्ये अछि एठी मध्ये अछि माने दीटा जको समान अछि तो हमको किछि भी मल्टीप्लाई करबा दरकार नै डायरेक्टली माइनस कर देबा तो माइनस जदी करबा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ताले कोन हो देखो तो 7u 7u कैंसिल है वो तारे 24v माइनस 4v कौन होगा 20v इक्वल्स टू 7 माइनस 2 होगा 5 तो 20v इक्वल्स टू है ला हमारा 5 तो v रो वैल्यू ऐसी बो कि 5 बाय 20 माने 1 बाय 4 सो v रो वैल्यू हमको मिल ला 1 बाय 4 तो ये जो v रो वैल्यू को चीज जो दिया हमें इक्वेशन 1 रे पुट करेगा ता है ला हमको x सॉरी u रो वैल्यू मिल जी ओके तो कौन हम ना 7u प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2 34 इंटू 1/4 हम 1 तो 7u इक्वल्स टू कौन है ना 2 माइनस 1 हिज हमारे 1 ओके सो u रो वैल्यू कौन आस 781 सहित डिवाइड हिज तो u रो वैल्यू मिले 1/7 ओके सो u रो वैल्यू हो गला 1/7 v रो वैल्यू हो गला 1/4 वर्तमान देखो तो हमें कौन लिखितले एठी हमें लिखितले कि u इक्वल्स टू हो छी कि 1/2x प्लस 3 ता माने हमको एठी 1/2x प्लस 3 रो वैल्यू टा मिले गला ओके सो एठी देखो तो मु कोन लिखि लेना u इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3 सो u जगह जदि हमें पुट करबा कोन ना u जगह जदि हमें पुट करबा 1/7 सो एठी हमरो आसीबो कोन ना 1/2x प्लस 3y इक्वल्स टू हमको मिलेबो 1/7 ओके जदि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबा ताले कोन होबो ना 2x प्लस 3y इक्वल्स टू हमको मिलला 7 सो ए जो इक्वेशंस टा हला एटा होची हमरो इक्वेशंस 3 ना दे दियो तो ओके काई कि ना एटा हमरो एक्स वाई फॉर्मेट रे मिलला आ हमको एक्स आ वाई रो ही वैल्यू काढिबार होची ओके से बळे देखंतु v कोन दे आइची ना 1/3x माइनस 2y से बळे v रो वैल्यू पुट करंतु v रो वैल्यू होची 1/4 v 1/4 इक्वल्स टू 1/3x माइनस 2y ओके तो याको जदी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करिबा ताले कोन होबो ना 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हिजबो सो एटा हिजबो हमर इक्वेशंस 4 वर्तमान कोन करबा देखंतु इक्वेशंस 3 आ इक्वेशंस 4 को सॉल्व करबा इक्वेशंस 3 रे देखंतु x रो कोफिशिएंट होची 2 आ इक्वेशन 4 रे देखंतु x रो कोफिशिएंट होची 3 तो ए दीटा को हमें मल्टीप्लाई करबा 3 को हम इक्वेशंस 3 सहित मल्टीप्लाई करबा से बळे एठी हमें इक्वेशंस 4 सहित 2 को मल्टीप्लाई करबा तो देखंतु इक्वेशंस 3 रे जते बळे 3 मल्टीप्लाई करबा यार वैल्यू आसीबो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 21 से बळे जते बळे इक्वेशन 4 रे 2 मल्टीप्लाई करबा यार वैल्यू आसीबो 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 8 ओके माइनस कले कौन हम ना 6x 6x कैंसिल हो 9y माइनस 4y यार वैल्यू आसीबो कौन ना 9y प्लस 4y कहीं देखो तो माइनस 4y तो माइनस 4y रो साइन चेंज हो तो एटा प्लस हो सो 9y प्लस 4y हो 13y इक्वल्स टू 21 माइनस 8 हो 13 तो 13y इक्वल्स टू 13 हेले y रो वैल्यू कौन हम ना 13 डिवाइडेड बाय 13 माने 1 मिले आमको y रो वैल्यू ओके वर्तमान से y रो वैल्यू को जदि हमें इक्वेशन 3 रे पुट करबा ताले कोन होबो ना देखो तो 2x प्लस 3 into 1 इक्वल्स टू 7 हि जीवो ताले 2x रो वैल्यू मिलला कोन ना 7 माइनस 3 माइनस 4 मिलला वर्तमान से x को हमें केमति काढबा देखो तो x रो वैल्यू कोन होबो ना 4 डिवाइडेड बाय 2 हि जीवो हमरो 2 ओके सो x रो वैल्यू हमको कोन मिलला ना 2 मिलला ओके
सो आमको दरकार था एक्स आउ वाइर वैल्यू तो एक्स रैल्यू आसला टू वाइर वैल्यू हूँ वन तो निर्णय समाधान हो टू कमा वन ओके सो यहाँ टी लेंथी मेथड अणसर सरल रेखीय समीकरण को समाधान करने को आमको एतिकटा स्टेप मन रखापी पड़ो और बहुत ही केयरफुली या सल्व करापी पड़ो ओके नेक्स्ट आम देखा कौन ना मैट्रिक्स आउ डिटरमिनेंट कौन तापर देखा क्रामर्स रूल तापर देखा अनुसरणी वन पी